झारखंड न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की तमाम बड़ी खबरों को। इससे पहले आप झारखंड के किस जिले से न्यूज को देख रहे हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। साथ ही डेली अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूले। आज का लाइक एम 500 है, उम्मीद करते हैं आप इसे जरूर पूरा करेंगे। जिंदगी का जंग हार गई दुमका की बेटी, लोगों में आक्रोश। झारखंड के दुमका जिले के नगर थाना क्षेत्र की गरुआडीह निवासी अंकिता कुमारी आखिरकार जिंदगी से जंग हार गई। रांची में इलाज के दौरान अंकिता की मौत हो गई। दरअसल एक तरफा प्यार में एक युवक शाहरुख ने अंकिता को पेट्रोल छिड़ाकर जिंदा जला दिया था। बता दें, 12वीं में पढ़ने वाली छात्रा अंकिता कुमारी की सिर्फ यही गलती थी कि उसने शाहरुख की बात नहीं मानी थी, जिसके बाद युवक ने पेट्रोल छिड़क कर उसे जलाने की कोशिश की। इस घटना में अंकिता गंभीर रूप से घायल हो गई थी, जिसके बाद अंकिता को बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स में भर्ती कराया गया था, जहां इलाज के दौरान रविवार को उसकी मौत हो गई। वहीं अंकिता की मौत की खबर सुनकर दुमका में उसके परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। इस घटना से पूरे दुमका जिला और परिवार वालों में काफ़ी आक्रोश और मातम सा छाया हुआ है। धनबाद में फैल रहा वायरल बुखार। धनबाद में मौसम बदलने के साथ ही वायरल फीवर का कहर शुरू हो गया है। हर घर में कोई न कोई बुखार सर्दी खांसी की शिकायत कर रहा है। बता दें, लोग निजी अस्पतालों के पास जा रहे हैं या सरकारी अस्पताल पहुंच रहे हैं। SNMMCH के OPD में वायरल फीवर के मरीज सबसे ज़्यादा आ रहे हैं। अस्पताल के सूत्रों का कहना है कि मेडिसिन OPD में रोज लगभग 300 मरीज पहुँच रहे हैं। इनमें लगभग 100 से अधिक वायरल फीवर से पीड़ित होते हैं। मेडिसिन विभागाध्यक्ष डॉक्टर UK ओझा ने बताया है कि मौसम में बदलाव के कारण वायरल संक्रमण बढ़ रहा है। ऐसे में मरीज को परामर्श दिए जा रहे हैं। बड़ों के साथ बच्चों में भी संक्रमण के मामले तेजी से फैल रहा है। अफ्रीकन स्वाइन फीवर का कहर बढ़ा, 600 सूरों की मौत। राज्य में बड़े पैमाने पर हो रही सूरों की मौत का कारण अफ्रीकन स्वाइन फीवर है। इसका खुलासा भोपाल स्थित ICAR के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हाई सिक्योरिटी एनिमल डिजीज के लैब ने किया है। लैब में 22 सैंपल की जांच हुई, जिसमें अभी सभी में अफ्रीकन स्वाइन फीवर की पुष्टि हुई है। रिपोर्ट में इस फीवर की पुष्टि होने के बाद पशुपालन निदेशालय ने टोल फ्री नंबर 1800309711 जारी किया है। पशुपालन निदेशक शशि प्रकाश झा ने कहा है कि राज्य में कहीं भी सूअरों की असामान्य मृत्यु हो रही है तो निदेशालय स्थित नियंत्रण कक्ष के टेलीमेडिसिन टोल फ्री नंबर 1800309711 पर सूचित करें। सिमडेगा में राज्य स्तरीय सीनियर महिला पुरुष हॉकी का आगाज। राष्ट्रीय खेल दिवस के अवसर पर सिमडेगा में 27 से 29 अगस्त तक एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में जिला प्रशासन हॉकी झारखंड एवं टाटा स्टील के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित 5वीं राज्य स्तरीय सीनियर महिला एवं पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 का शनिवार को विधिवत उद्घाटन किया गया। उपायुक्त R रोटीना, पुलिस अधीक्षक सौरभ कुमार, सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार मनीष कुमार सिंह, हॉकी झारखंड के अध्यक्ष भोलानाथ सिंह, महासचिव विजय शंकर सिंह, CEO राजनीश कुमार, हॉकी सिमडेगा के अध्यक्ष मनोज ने खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त कर मैच की शुरुआत की। प्रतियोगिता में कुल 53 टीम भाग ले रही हैं। घायल को गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने वालों को 5000 रुपये मिलेंगे। सड़क हादसे में गंभीर रूप से घायल व्यक्ति की सहायता करने और गोल्डन आवर में अस्पताल पहुंचाने में मदद करने वाले नेक व्यक्ति को प्रोत्साहित करने के लिए अब नगद के रूप में 5000 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। यह योजना राज्य में 26 अगस्त से लागू कर दी गई है। मुख्यमंत्री का अनुमोदन मिलने के बाद परिवहन सचिव सह परिवहन आयुक्त KK सोन ने आदेश जारी किया है। योजना के बेहतर संचालन के लिए एक राज्य स्तरीय अनुश्रवण समिति और एक जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति गठित की गई है। आदेश में कहा गया है कि पुलिस थाना या अस्पताल से प्रस्ताव प्राप्त होने पर जिला स्तरीय मूल्यांकन समिति मानसिक आधार पर प्रस्ताव की समीक्षा कर परिवहन आयुक्त से अनुशंसा करेगी। परिवहन आयुक्त के स्तर पर नेक दिल व्यक्ति को प्रोत्साहन राशि देने का निर्णय लिया जाएगा।
जैक के स्थापना दिवस के दिन मैट्रिक इंटर के स्टेट टॉपर होंगे पुरस्कृत। राज्य में 2 वर्ष बाद जैक द्वारा मैट्रिक और इंटर के स्टेट टॉपर को पुरस्कृत किया जाएगा। 2 सितंबर को जैक के स्थापना दिवस समारोह में मैट्रिक इंटर और इंटरमीडिएट वोकेशनल परीक्षा के टॉपर सम्मानित किए जाएंगे। राज्य में पहला स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को 21,000 रुपये व स्वर्ण पदक, सेकेंड टॉपर को 15,000 रुपये व रजत पदक, वहीं तृतीय टॉपर को 10,000 रुपये व कांस्य पदक दिया जाएगा। जैक के मैट्रिक इंटर व इंटरमीडिएट वोकेशनल के टॉपरों के नाम भी जारी कर दिए गए हैं। झारखंड में 690 लैब असिस्टेंट की नियुक्ति। झारखंड में पहली बार प्रयोगशाला सहायकों के रिक्त 690 पदों पर नियुक्ति होने जा रही है। इसकी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। अभ्यर्थी 29 अगस्त से 28 सितंबर तक ऑनलाइन आवेदन जमा कर सकते हैं। इस संबंध में झारखंड कर्मचारी चयन आयोग ने विज्ञापन जारी किया है। 30 सितंबर की मध्य रात्रि तक परीक्षा शुल्क का भुगतान किया जा सकेगा। वहीं फोटो व हस्ताक्षर अपलोड कर आवेदन पत्र का प्रिंट आउट लेने के लिए 2 अक्टूबर की मध्य रात्रि तक लिंक उपलब्ध रहेगा। इसमें 3 से 6 अक्टूबर की मध्य रात्रि तक अभ्यर्थी का नाम, जन्मतिथि, ईमेल आईडी व मोबाइल नंबर को छोड़कर किसी भी अशुद्ध प्रविष्टि को संशोधित करने के लिए पुनः लिंक उपलब्ध कराया जाएगा। झारखंड में दलहन की नहीं मिल रही उचित कीमत। झारखंड में किसानों के दलहन की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर नहीं हो रही है। इस कारण राज्य में किसानों को MSP से कम कीमत पर दलहन बेचना पड़ रहा है, जिससे उन्हें आर्थिक चोट सहनी पड़ रही है। अभी सबूत अरहर का न्यूनतम समर्थन मूल्य 63 रुपये प्रति किलो है। इसकी तुलना में कई किसानों को 55 से 58 रुपये किलो तक साबुत अरहर बेचना पड़ रहा है। विडम्बना यह है कि आम ग्राहक को दुकान में अरहर की दाल इस वक्त 110 से 120 रुपये प्रति किलो की दर पर मिल रही है, मतलब इसका आधा दाम भी किसानों को नहीं मिल पा रहा है। सरकार पर कोई खतरा नहीं, कांग्रेस प्रभारी। झारखंड में बदलता राजनीतिक समीकरण के बीच रात 8 बजे प्रदेश कांग्रेस प्रभारी अविनाश पांडे रांची पहुंचे। प्रभारी बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से सीधे स्टेट गेस्ट हाउस पहुंचे। यहां पर उन्होंने पार्टी के मंत्री विधायकों के साथ बैठक कर वर्तमान राजनीतिक हालात पर मंथन किया, साथ ही विधायकों को एकजुट रहने का निर्देश दिया। लगभग 2 घंटे तक चली बैठक में हर पहलुओं पर विचार किया गया। बैठक में निलंबित विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी, नमन बिक्सल कोगाड़ी व राजेश कक्षप को छोड़कर पार्टी के 14 विधायक मौजूद थे। पारिवारिक कारणों की वजह से विधायक ममता देवी बैठक में शामिल नहीं हुई। इसकी सूचना उन्होंने पहले ही प्रदेश नेतृत्व को दे दी थी। बोकारो के आकाश गोयल को अमेजन से 45 लाख का पैकेज। झारखंड के बोकारो जिले के फुसरो नगर क्षेत्र अंतर्गत अम्बेडकर कॉलोनी निवासी आकाश गोयल को अमेजन कंपनी की ओर से 45 लाख रुपए के सालाना पैकेज पर जॉब ऑफर किया गया है। इससे घर परिवार में खुशी की लहर है। बता दें, बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ है। IIT BHU में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के छात्र आकाश के पिता किराना दुकान चलाते हैं और माँ गृहिणी हैं। बहन पलामू मेडिकल कॉलेज से MBBS की पढ़ाई कर रही है। तमिलनाडु में मजदूर की सड़क हादसे में मौत। रोजी रोटी की तलाश में हैदराबाद गए बोकारो के पेटरवार प्रखंड के सदमा कला बुढ़वा टाण के एक युवक की मौत के बाद उसका दुष्कर्म भी नहीं पार हुआ और सदमा कला के एक अन्य दूसरा युवक पलायन की भेंट चढ़ गया। बता दें, सदमा कला निवासी दिनेश महतो के पुत्र प्रमोद महतो की मौत चेन्नई के मुटूर नामक स्थान में शुक्रवार की रात करीब 11:30 बजे एक हाईवा वाहन की चपेट में आने से हो गई। मृतक के परिजनों को साथ में काम करने वाले साथियों ने शुक्रवार की देर रात में फोन से घटना की जानकारी दी। बोकारो में मात्र 9% ने ही ली बूस्टर डोज। बोकारो जिले में प्रचार प्रसार व जनसंपर्क अभियान चलाने के बाद भी कोरोना रोधी वैक्सीनेशन की दूसरे व बूस्टर डोज लेने वालों की संख्या नहीं बढ़ पा रही है। 16 जनवरी 2021 से वैक्सीनेशन अभियान की शुरुआत की गई, जो 17,89,693 वैक्सीनेशन के लक्ष्य के एवज में 16,48,350 लोगों यानी 92% ने ही पहली डोज ली। वहीं जगह जगह जागरूकता शिविर, 10,80,264 लोग 66% ने दूसरी डोज लगवाई, जबकि बूस्टर डोज लेने वालों की संख्या में ही सबसे कमी हो गई। अब तक 93,903 लोगों ने ही यानी मात्र 9% ने ही बूस्टर डोज ली है। सरायकेला में छऊ की पढ़ाई
और चाईबासा में लॉ कॉलेज खुलेंगे। चाईबासा स्थित कोल्हान विश्वविद्यालय के मुख्यालय में शनिवार को सीनेट की बैठक हुई। इसकी अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर गंगाधर पांडा ने की। इस दौरान नई शिक्षा नीति से पढ़ाई के लिए कॉलेज में चल रही तैयारी पर चर्चा हुई। नई शिक्षा नीति के तहत नए सत्र से स्नातक की पढ़ाई 4 वर्षीय होगी। बैठक में KS कॉलेज सरायकेला में 6 विषय की पढ़ाई शुरू करने का प्रस्ताव तैयार करने पर सहमति बनी। वहीं कोल्हान विश्वविद्यालय के अंतर्गत पश्चिमी सिंहभूम में लॉ कॉलेज की स्थापना और विश्वविद्यालय के अंतर्गत 5 वर्षीय LLB कोर्स शुरू करने पर सहमति बनी। झारखंड में ड्यूटी पर लौटे CRPF जवान ने खुद को मारी गोली। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम में CRPF 60 बटालियन के जवान अजीत पाठक ने अपनी सर्विस गन AK-47 से खुद की कनपट्टी में गोली मार ली। इससे उसकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई। घटना शुक्रवार रात करीब 9 बजे CRPF 60 बटालियन के झरझरा स्थित बेस कैंप में घटी। जवान सोनुआ में पदस्थापित था। मृतक उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर स्थित देवला पार गांव का रहने वाला था। मृतक 1 सप्ताह पहले छुट्टी से ड्यूटी पर लौटा था। झारखंड में आज भारी बारिश के आसार। झारखंड में 28 अगस्त को भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग के अनुसार राज्य के उत्तरी भागों में कई हिस्सों में भारी बारिश की संभावना है। इसके अलावा 31 अगस्त तक राज्य में बादल छाए रहेंगे। मौसम विभाग के अनुसार 31 अगस्त तक हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की जाएगी। इस दौरान अधिकतम तापमान में गिरावट आएगी और न्यूनतम तापमान भी लगभग 23 से 24 डिग्री के बीच रहेगा। धन्यवाद।